हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डिजिटल डायरीज। और गाइस, अगर आपको लंच या डिनर बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है तो आप सिंपल इस वेज पुलाव को रायते के साथ ज़रूर बनाएं। सिंपल रेसिपी है और बनाना बहुत आसान है, और आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, उसके लिए भी परफेक्ट है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। भेज पुलाव बनाने के लिए मैंने आधा कटोरी मूंगफली, आधा कटोरी मटर, एक कटा हुआ प्याज, दो कटा हुआ टमाटर, एक बाउल पका हुआ चावल, कटा हुआ हरा और लाल मिर्चा, एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है। भेज पुलाव बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में 3 चम्मच तेल गरम किया है। तेल के गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे कच्चा मूंगफली। मूंगफली को हमें तेल में फ्राई कर लेना है। भुना हुआ मूंगफली इस पुलाव में बहुत अच्छा टेस्ट लाता है, लेकिन अगर आपको मूंगफली नहीं पसंद है या आप मूंगफली नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मूंगफली में क्रैक्स आ गए हैं, मतलब ये अच्छे से फ्राई हो गया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इसके बाद हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। फिर कटा हुआ मिर्चा और प्याज डालकर मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट भून लेंगे। जैसे ही प्याज पक जाए हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे भी थोड़ी देर भून लेंगे ताकि इनका जो कच्चापन है वो निकल जाए। हमने प्याज अदरक और लहसुन को अच्छे से पका लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे मटर और टमाटर। हमने यहाँ फ्रोजन मटर लिया है, टमाटर पके हुए ही इस्तेमाल करें। फिर थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि टमाटर जो है वो जल्दी पक जाए। फिर सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर को हमें पूरा गला लेना है। फिर कढ़ाई को ढक देंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे। 3 से 4 मिनट बाद कढ़ाई का ढक्कन हटाकर सबको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये जले नहीं। टमाटर अच्छे से गल चुका है। अगर आपको पुलाव का कलर थोड़ा रेड चाहिए तो आप इसमें थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर इसमें ऑप्शनल है। अब मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। फिर सबको अच्छे से मिक्स करके इसे ढककर धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। 2 से 3 मिनट बाद कढ़ाई का ढक्कन हटाकर सबको मिक्स करेंगे। फिर इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। आप गरम मसाला के जगह पर मैजिक मसाला या किचन किंग मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें पका हुआ चावल डालेंगे। ध्यान रहे, नमक हमने पहले थोड़ा सा डाला था और चावल को पकाने में थोड़ा सा नमक और डालेंगे। नमक डालने के बाद हम फ्राई किए हुए मूंगफली डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। ध्यान रहे, इसे हल्के हाथों ही मिक्स करें, और जैसे ही ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएगी हम कढ़ाई को ढक देंगे और धीमी आंच पर 1 मिनट और पकाएंगे ताकि टमाटर और मसाले चावल में अच्छे से मिक्स हो जाए। 1 मिनट बाद कढ़ाई का ढक्कन हटाकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये हमारा पुलाव बनकर तैयार हो गया है। लास्ट में हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और मिक्स करके गर्मा गर्म सर्व करेंगे। है ना ये सिंपल रेसिपी, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं और बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो अब गैस को बंद कर देंगे। तो अब चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा रायता बना लेती हूँ। रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 कटोरी दही लिया है। दही में हम डाल देंगे पानी ताकि ये थोड़ा थिन हो जाए। फिर हम विस्कर से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें कटा हुआ प्याज, टमाटर और मिर्चा डालेंगे। सब
सब्जियां डालने के बाद हम इसमें लाल मिर्च पाउडर और स्वादनुसार नमक डालकर विस्कर से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारा सिंपल रायता बनकर तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं सर्विंग के प्रोसेस में। तो सर्व करने के लिए हमने पुलाव लिया है, रायता लिया है जिसके ऊपर लाल मिर्च के पाउडर से स्प्रिंकल किया है ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। साथ में अपने पसंद का सैलड लिया है। अब मैं आपको इसे सामने से दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये कितना स्पाइसी एंड टेस्टी लग रहा है। तो आप भी इस सिंपल भेज पुलाव के रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये आपको बहुत पसंद आएगा और बनाना भी आसान है ना, तो क्यों नहीं ट्राई करना। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।